Finally, the wait is over. Competition community is all set to fulfill the dreams of thousands of English medium students of the state as we are up with a well-designed English medium course for the CGPAC prelims exam. In this course I have dealt with two subjects, quality and history, in a manner which would help in exam-oriented understanding of the subject without compromising the language of your choice. So go for it because it would definitely suffice without compromise. नमस्कार एंड वेलकम टू लर्निंग प्लेटफॉर्म ऑफ कंपटीशन कम्युनिटी माय नेम एस गिरी एंड वे लर्निंग छत्तीसगढ़ जनरल स्टडीज इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं छत्तीसगढ़ का जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर सो बिफोर मूविंग फॉरवर्ड सबसे पहले समझते हैं कि ये जो टॉपिक है इसका मीनिंग क्या होता है तो देखिए सबसे पहले जो वर्ड है जियोलॉजी तो जियोलॉजी का मतलब होता है द स्टडी ऑफ रॉक्स तो हम यहाँ पे बेसिकली पढ़ने वाले हैं कि छत्तीसगढ़ में कौन कौन से रॉक्स मिलते हैं इन रॉक्स की क्या बेसिक प्रॉपर्टीज हैं इन रॉक्स में कौन से मिनरल्स मिलते हैं और ये जो रॉक्स हैं इनका एक्सपेंशन जो है वो छत्तीसगढ़ में कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट में या किन किन एरियाज में है तो इन द जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर वील स्टडी अबाउट नथिंग बट दी रॉक्स इसका एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन हम ऑलरेडी डिस्ट्रिक्ट्स में देख चुके हैं जिसमें हर एक डिस्ट्रिक्ट में मैंने बताया था कि वहां पे प्रीडोमिनटली किस टाइप के रॉक्स आपको देखने को मिल जाते हैं क्लियर तो आइए स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज द स्कोप ऑफ लर्निंग तो स्कोप ऑफ लर्निंग में सबसे पहले सीखेंगे कि जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर क्या होता है दैट वी हैव ऑलरेडी सीन हम देख चुके हैं कि जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर जो है इसका मतलब क्या होता है सेकेंडली हम देखने वाले हैं कि छत्तीसगढ़ में जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर कैसा है दैट मीन्स छत्तीसगढ़ में कौन से रॉक्स मिलते हैं इन रॉक्स की क्या प्रॉपर्टीज हैं इनमें क्या मिनरल्स मिलते हैं और इनका एक्सटेंशन जो है छत्तीसगढ़ के कौन कौन से एरियाज में है क्लियर तो ये हम देखेंगे छत्तीसगढ़ की जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर में और फाइनली हम कुछ ऐसे क्वेश्चंस देखने वाले हैं जो कि ऑलरेडी आ चुके हैं सीजीपीएससी में ताकि आपको एक अंदाजा हो जाए कि ये जो टॉपिक है इस टॉपिक से कैसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और आपको कैसे क्वेश्चंस को करना है प्रिपेयर तो देखिए सबसे पहले हमको ये समझना होगा कि ये जो रॉक फॉर्मेशन है इसका प्रोसेस क्या है क्लियर यहां पे हम एक्चुअली देखने वाले हैं रॉक सिस्टम्स लेकिन रॉक सिस्टम्स में जाने से पहले हमको समझना है व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ रॉक्स तो अर्थ में सबसे पहली बार जब रॉक फॉर्मेशन हुआ तो वो कैसे हुआ था वो हुआ था लावा के कूलिंग से क्लियर और ये जो लावा का कूलिंग हुआ इससे एक रॉक का फॉर्मेशन हुआ जिसका नाम था आर्कियन और ये कौन से टाइप का रॉक था तो ये एक प्राइमरी रॉक था प्राइमरी मतलब सबसे पहले जो बने और प्राइमरी रॉक होते हैं कैसे तो इग्नियस टाइप के इग्नियस का मतलब होता है जो कि लावा के कूलिंग से बने उस रॉक को कहते हैं इग्नियस रॉक तो अर्थ में सबसे पहला जो रॉक बना वो कौन सा रॉक था तो वो था आर्कियन रॉक उसके बाद आर्कियन रॉक के सेडिमेंट से दैट मींस ये जो रॉक बन गया आर्कियन अब इस रॉक पे क्या होगा तो इस रॉक पे क्लाइमेट जो है वो अपना इंपैक्ट डालेगा दैट मींस ये रॉक जो है गर्मी में एक्सपैंड होगा जब ठंड आएगी तो कॉन्ट्रैक्ट होगा जब बारिश होगी तो इस रॉक में धीरे धीरे वेदरिंग चालू होगी और इससे ये रॉक जो है धीरे धीरे हो जाएगा कैसा तो कमजोर और उसके बाद इस आर्कियन रॉक के टुकड़े जो हैं, या इसके पीसेस हैं वो एक्चुअली वेदर्ड आउट जो इसका पीस रहेगा धीरे धीरे छोटे छोटे जो पीसेस बनेंगे वेदरिंग से वो सारे पीसेस जो हैं वो लेयर पे लेयर होंगे जमा और और चूंकि बने किसी रॉक के सेडिमेंट से तो कहलाए कैसे रॉक्स सेडिमेंटरी तो पहला प्राइमरी एक इग्नियस रॉक सेकंड है सेकेंडरी एक सेडिमेंट्री रॉक तो आर्कियन के सेडिमेंट से बना धारवाड़ और फाइनली ये प्रोसेस चालू हो गया उसके बाद जब सेडिमेंटेशन हुआ धारवाड़ का तो बना कड़प्पा और फाइनली कड़प्पा के सेडिमेंट से बना विंध्यन रॉक्स क्लियर सो दिस वॉज द इनिशियल प्रोसेस समझ में आया आप लोग को दिस वॉज द इनिशियल प्रोसेस ऑफ रॉक फॉर्मेशन अब अर्थ की जियोलॉजिकल हिस्ट्री को हम देखें तो हिस्ट्री चालू होती है प्री कैमरियन एज से तो ये जो प्री कैमरियन एज है इसको अगर मैं दो भागों में बांट दूं पहले को कहूं अर्ली प्री कैमरियन और बाद में कहूं लेट प्री कैम्बरियन तो अर्ली प्री कैम्बरियन एरा में फॉर्मेशन हुआ किसका तो पहले आर्कियन और फिर आर्कियन से धारवाड़ और ये जो टोटल सिस्टम बना दोनों रॉक को जोड़ के कहलाया आर्कियन रॉक सिस्टम क्या कहलाया आर्कियन रॉक सिस्टम सेकेंडली लेट प्री कैम्बरियन एज में जो दो रॉक्स बने कड़प्पा और विंध्यन इन दोनों को जोड़ के कहते हैं दी पुराण रॉक सिस्टम अब इंग्लिश में पुराण को लिख देते हैं पुराना और कह देते हैं पुराना रॉक सिस्टम क्लियर तो ये दो रॉक सिस्टम्स थे एक था आर्कियन रॉक सिस्टम और दूसरा है पुराण रॉक सिस्टम अब लेटर ऑन जैसे जैसे समय बढ़ा उस समय बहुत सारे रॉक्स का अर्थ में फॉर्मेशन हुआ चूंकि हम पढ़ रहे हैं छत्तीसगढ़ तो वी आर ओनली कंसर्न अबाउट छत्तीसगढ़ तो छत्तीसगढ़ वाले एरिया में दो रॉक्स बने एक था गोंडवाना और दूसरा था डेकन ट्रैप और ये जो रॉक्स हैं दोनों को मिलकर कहते हैं हम आर्यन रॉक सीरीज क्या कहते हैं आर्यन रॉक सीरीज अब ये किन एरा में इनका फॉर्मेशन हुआ कैसे फॉर्मेशन हुआ इसका डिटेल हम देखेंगे जब हम पढ़ेंगे इंडिविजुअल रॉक्स को क्लियर तो ये थे तीन बेसिक रॉक सिस्टम्स जिसमें पहला है आर्कियन रॉक सिस्टम जिसमें हम पढ़ेंगे आर्कियन रॉक्स के बारे में और धारवाड़ रॉक्स के बारे में फिर है पुराना रॉक सिस्टम जिसमें हम पढ़ेंगे कड़प्पा और विंध्यन रॉक्स के बारे में और उसके बाद फाइनली पढ़ेंगे आर्यन रॉक सिस्टम जिसमें हम पढ़ेंगे गोंडवाना और डेकनड्राप रॉक्स के रिस्पेक्ट में नाउ अगर हम बात करें डिस्ट्रीब्यूशन की तो छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा डिस्ट्रीब्यूशन है आर्कियन का कौन से रॉक्स का आर्कियन रॉक्स का तो अप्रॉक्सिमेटली 50 परसेंट डिस्ट्रीब्यूशन है छत्तीसगढ़ में आर्कियन रॉक्स का That means पूरे छत्तीसगढ़ पूरे में सबसे ज्यादा कौन सा रॉक या कह सकते हैं कि लगभग आधे छत्तीसगढ़ में कौन सा रॉक फैला हुआ है तो फैला हुआ है आर्कियन रॉक अब आर्कियन रॉक के बाद सबसे ज्यादा एक्सटेंशन है किसका तो कड़प्पा रॉक्स का कौन से रॉक्स का कड़प्पा रॉक्स ये छत्तीसगढ़ के लगभग लगभग 30% परसेंट एरिया में इसका एक्सपेंशन हमको देखने को मिलता है अब कड़प्पा के बाद 17% परसेंट एक्सपेंशन है किसका तो है गोंडवाना रॉक्स का और फाइनली बचा हुआ 3% परसेंट है धारवाड़ एंड अदर रॉक्स क्लियर तो 50% परसेंट के साथ आर्कियन का एक्सटेंशन छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा है उसके बाद थर्टी परसेंट है कड़प्पा का एक्सटेंशन उसके बाद है सेवेंटीन परसेंट किसका एक्सटेंशन तो गोंडवाना का एक्सटेंशन और फाइनली थ्री परसेंट है धारवाड एंड अदर रॉक्स का एक्सटेंशन सो दिस वॉज एक्सटेंशन ऑफ रॉक्स इन छत्तीसगढ़ तो अब हम सब रॉक्स को एक एक करके देखने वाले हैं तो सबसे पहले है आर्कियन रॉक्स तो मैंने आपको बताया कि अर्थ में सबसे पहले जिस रॉक का फॉर्मेशन हुआ उसका क्या नाम था तो उसका नाम था आर्कियन रॉक्स और ये कैसे थे तो ये इग्नियस थे तो रॉक जब भी इग्नियस होता है तो ये बहुत हार्ड होता है क्यों क्योंकि इग्नियस स्ट्रक्चर में बहुत सारे छोटे छोटे क्रिस्टल्स होते हैं और इन क्रिस्टल्स की बॉन्डिंग बहुत अच्छी होती है जिसके कारण ये रॉक्स जो हैं वो कैसे हो जाते हैं तो बहुत हार्ड कैरेक्टर के होते हैं ये तो ये जो आर्कियन रॉक है ये है सबसे ओल्डेस्ट और ये है सबसे हार्डेस्ट इसका फॉर्मेशन मैंने बताया था कब तो फॉर्मेशन मैंने बताया है अर्ली प्री कैमरियन एज में कब बताया है अर्ली एज में अब छत्तीसगढ़ के कितने परसेंटेज एरिया में इसका एक्सटेंशन है तो एक्सटेंशन है 50 परसेंट एरिया में मतलब लगभग आधे छत्तीसगढ़ में एक्सटेंशन है किसका तो आर्कियन रॉक्स का अब देखिए हम छत्तीसगढ़ में फिजियोग्राफिक डिविजन या फिजिकल डिविजन तो पढ़ ही चुके हैं तो एक बघेलखंड पढ़ा है एक पढ़ा है पार्ट एरिया एक पढ़ा है महानदी बेजिन और लास्ट में पढ़ा है दंडकारण्य तो ये जो आरके रॉक है ये छत्तीसगढ़ के सभी चारों या ऑल फोर फिजिकल डिविजन्स में एक्सटेंडेड है अब हम इसको मैप से देख लेते हैं तो ये जो मैप है इसमें जो भी ऐसा पोर्शन है जो कि लेफ्ट आउट है वाइट कलर से दैट मीन्स जो कि है नॉन कलर्ड वो है पूरा का पूरा आपका आर्कियन तो देखिए ये जो दंडकारण्य प्लाटू वाला एरिया है इसमें भी आप देख रहे हैं बहुत सारा पोर्शन जो है वो लेफ्ट आउट है व्हाइट कलर से उसके बाद अगर आप महानदी बेसिन वाला एरिया देखें तो इस एरिया में भी ये जो पोर्शन है ये वाइट है ये पोर्शन वाइट है दैट मीन्स महानदी बेजन में भी इस आर्कियन का एक्सटेंशन है और उसके बाद अगर हम देखें बघेलखंड तो देखिए बघेलखंड में भी आपको कोरिया का नॉर्दर्न हिस्सा सूरजपुर का नॉर्दर्न हिस्सा और बलरामपुर के भी नॉर्दर्न पार्ट्स में इसका एक्सटेंशन दिख रहा है और फाइनली बचा हमारा जशपुर सामरी पार्ट तो उसमें भी आप देखें तो ये जो सामरी पार्ट वाला एरिया है यहाँ पे आपको आर्कियन का एक्सटें एक्सटेंशन देखने को मिल रहा है सो दिस इज ऑल अबाउट द डिटेल्स एंड एक्सटेंशन ऑफ द आर्कियन रॉक्स इन छत्तीसगढ़ देखिए ये जो टॉपिक है ये कौन साइड कर रहा है आपके इंडियन जोग्राफी से तो यहां पे हमारा जो मोटो है वो बेसिकली है विथ रिस्पेक्ट टू छत्तीसगढ़ तो हमको आर्कियन के बहुत ज्यादा डिटेल में उसकी प्रॉपर्टीज में यहां पे नहीं जाना है यहाँ पे हमको देखना है उसकी बेसिक प्रॉपर्टीज और हमको बेसिकली ये समझना है कि छत्तीसगढ़ में कहाँ पे मिलता है छत्तीसगढ़ में कितना एक्सटेंशन है और छत्तीसगढ़ में कौन से मिनरल्स इससे हमको मिलते हैं क्लियर दिस हैज टू बी योर मोटो और बाकी चीजों को फिर आप इंडियन जोग्राफी में पढ़ ही लेंगे सो दिस वॉज ऑल अबाउट दी आकिन रॉक्स अब मैंने आपको बताया था कि अर्ली प्री कैम्ब्रियन एज में ही आर्कियन रॉक्स के सेडिमेंट से जिस रॉक का फॉर्मेशन हुआ था उसका नाम था धारवाड़ रॉक्स तो ये तो पहला सेडिमेंट्री रॉक हुआ ना क्योंकि तो सबसे पहले तो बना क्या एक इग्नियस रॉक और उसके बाद ये बना एक सेडिमेंट्री रॉक तो दिस इज ओल्डेस्ट सेडिमेंट्री रॉक तो ध्यान आपको रखना है धारवाड़ बहुत पुराना या सबसे पुराना सेडिमेंट्री रॉक है और धारवाड़ की बहुत खासियत या स्पेशलिटी होती है कि इसमें बहुत सारे मेटालिक मिनरल्स आपको देखने को मिलते हैं तो धारवाड़ रॉक में कैसे मिनरल्स देखने को मिलते हैं हमें तो बहुत से मेटालिक मिनरल्स हमको देखने को मिलते हैं तो फॉर्मेशन इसका भी क्या है तो इसका भी है अर्ली प्री कैमरियन एज में लेकिन आर्कियन के सेडिमेंट से अब आप समझिए कि जब पूरे वर्ल्ड में इन रॉक्स का फॉर्मेशन होगा तो क्या वर्ल्ड के हर पार्ट में जहां जहां पे ये फॉर्म हुए हैं इनकी प्रॉपर्टी एकदम आइडेंटिकल होगी क्या नहीं होने वाली है इनमें माइनर माइनर डिफरेंसेस आपको देखने को मिलेंगे और इन्हीं छोटे छोटे डिफरेंसेस के कारण इन रॉक्स को फर्दर छोटे छोटे सीरीज में क्लासिफाई किया गया है दैट मीन्स धारवाड़ की भी कुछ अलग से सीरीज होंगी और आने वाले रॉक्स की भी और कुछ अलग से सीरीज होंगी तो छत्तीसगढ़ में धारवाड़ की कौन कौन सी सीरीज देखने को मिलती है तो सबसे पहले है सोना खान सीरीज सेकेंड है चिल्फी सीरीज कौन सी सीरीज चिल्फी सीरीज और फाइनली जो सीरीज मिलेगा उसको कहते हैं आयन और सीरीज तो तीन सीरीज पहला है क्या तो चिल्फी सीरीज उसके बाद है सोना खान सीरीज और उसके बाद है आयनोर सीरीज अब धारवाड़ मिनरल से छत्तीसगढ़ में मोस्ट इंपॉर्टेंट जो ओर मिलता है वो क्या है तो इट इज आयनोर ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि छत्तीसगढ़ में धारवाड़ रॉक से कौन सा इंपॉर्टेंट मिनरल एक्सट्रैक्ट करते हैं तो यहां पे करते हैं आयन ओर। अब आप समझेंगे आयन ओर बेसिकली जो है ना वो चार टाइप्स का होता है हेमेटाइट मैग्नेटाइट लिमोनाइट और सिडेराइट और ये जो टाइप्स होते हैं इनमें बेसिकली वेरिएशन होता है परसेंटेज ऑफ आयन का क्लियर तो छत्तीसगढ़ में जो टाइप मिलता है वो है हेमेटाइट तो कौन से टाइप का और मिलता है छत्तीसगढ़ में तो मिलता है हेमेटाइट है टाइप का आयन और अब देखिए अगर हम बात करें एक्सटेंशन की तो एक्सटेंशन में ये जो हम स्काई ब्लू कलर देख पा रहे हैं दिस इज एक्सटेंशन ऑफ दी धारवाड सीरीज ऑफ रॉक्स इन छत्तीसगढ़ तो इसमें सबसे पहले एक्सटेंशन एक जगह हम देख सकते हैं वो है कहाँ इन टू राजनांदगांव कबीरधाम मुंगेली एंड गौरेला पेंड्रा मरवाही डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ छत्तीसगढ़ दैट मीनस ये महानदी बेजन वाला एरिया है कौन सा एरिया महानदी बेज़िन वाला एरिया इसके अलावा एक छोटा सा एक्सटेंशन हमको बलोदा बाजार में दिखने वाला है उसके अलावा छोटा सा एक्सटेंशन हमको दिख रहा है जो कि तीन डिस्ट्रिक्ट्स में है एक है आपका बालोद उसके बगल में धमतरी और नीचे कांकेर और फाइनली हमको ये कांकेर नारायणपुर का एक पार्ट दिख रहा है और एक पार्ट है हमारा दंतेवाड़ा क्लियर तो मेजरली इसका एक्सटेंशन कहां पे है तो इन दी महानदी बेसिन एंड इनटू टू दी प्लाटू ऑफ दंडकारण्य और दी दंडकारण्य प्लाटू तो महानदी बेसिन में हमने देखा छत्तीसगढ़ का जो वेस्टर्न एक्सट्रीमिटी है उसमें राजनाथ गांव कबीर धाम मुंगेली और उसके बाद गौरेला पेंड्रा मरवाही चार डिस्ट्रिक्ट इसके अलावा सोना वाला एरिया कहां पे तो बलौदा बाजार में तो ये था महानदी बेज़िन का नॉर्दर्न पार्ट अब महानदी बेज़िन में साधर्न पार्ट में देखें तो बालोद धमतरी और बिल्कुल कांकेर से लगा हुआ एरिया था और फाइनली दंडकारण्य प्लाटू में हमने देखा है कि कांकेर और नारायणपुर के बीच का एरिया और लास्टली दंतेवाड़ा तो ये था बेसिकली धारवाड़ सीरीज ऑफ रॉक्स एंड इसका एक्सटेंशन अब परसेंटेज वाइज एक्सटेंशन में तो धारवाड़ और बाकी रॉक्स को मिला के रखा गया है थ्री परसेंट मतलब छत्तीसगढ़ में धारवाड़ का कोई बहुत ज़्यादा हमको देखने को नहीं मिलता अब आगे हम देखते हैं कड़प्पा सीरीज ऑफ रॉक्स कड़प्पा सीरीज के बारे में मैं already आपको बता चुका हूं कि सबसे पहले एक्सटेंशन के हिसाब से छत्तीसगढ़ में इसका रैंक है सेकंड कितने परसेंट के साथ तो थर्टी परसेंट के साथ ऑलरेडी देख चुके हैं फिर मैंने बताया कि धारवाड़ के जब सेडिमेंट्स हुए या धारवाड़ के बाद जो सेडिमेंट्री रॉक बना उसका नाम था कड़प्पा रॉक और इसका फॉर्मेशन मैंने आपको बताया है कि कब था लेट प्री एरा में हुआ इसका फॉर्मेशन अब ये जो कड़प्पा रॉक है इससे बहुत सारे मिनरल्स मिलते हैं लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्या तो लाइमस्टोन एंड डोलोमाइट अब आप समझिए छत्तीसगढ़ में जो महानदी बेसिन वाला जो एरिया है यहां पे बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट में लाइमस्टोन मिलता है मतलब यहां पे कौन सा रॉक होने वाला है तो रॉक होने वाला है यहां पे कड़प्पा अब इस कड़प्पा रॉक्स में भी दो सीरीज हैं। पहला है चंद्रपुर सीरीज और सेकंड है रायपुर सीरीज दीज आर दी टू सीरीज इन दी कड़प्पा रॉक्स दैट आर फाउंड इन छत्तीसगढ़ तो हमने क्या देखा थर्टी परसेंट इसका एक्सटेंशन है फॉर्मेशन हुआ है कब तो लेट प्री एरा में इसके बाद हमने दो सीरीज देखे पहला चंद्रपुर दूसरा रायपुर और फाइनली मैंने बताया कि मिनरल्स हैं यहां पे लाइमस्टोन और डोलोमाइट अब इस एक्सटेंशन को हम देखते हैं किस पे तो मैप पे तो सबसे पहले देखिए महानदी बेसिन अब ये जो टोटल एरिया है महानदी बेसिन का इसमें आपको दिख रहा है किसका एक्सटेंशन तो एक्सटेंशन कड़प्पा रॉक्स का अब डिस्ट्रिक्ट्स को समझे तो सबसे पहले बिलासपुर डिवीजन में देखते हैं तो मुंगेली के के ईस्ट ईस्ट में में है बिलासपुर जांजगीर चांपा रायगढ़ तो बिलासपुर डिवीजन में हमको चार डिस्ट्रिक्ट्स मिल गए जिसमें मुंगेली था बिलासपुर था जांजगीर चांपा एंड रायगढ़ इसके बाद आ जाते हैं हम दुर्ग डिस्ट्रिक्ट में तो दुर्ग में देखिए तो बेमेतरा दुर्ग और नॉर्दन बालोद और फाइनली फिर हम देखते हैं रायपुर डिवीजन जिसमें है बलोदा बाजार इसके अलावा रायपुर उसके बाद थोड़ा सा हिस्सा धमतरी का थोड़ा महासमुंद का और थोड़ा गरियाबंद का स बिलासपुर डिवीज़न में चार डिस्ट्रिक्ट्स में मिलेगा मुंगेली हुआ उसके बगल में बिलासपुर फिर जांजगीर चांपा और रायगढ़ दुर्ग डिवीजन में तीन डिस्ट्रिक्ट में मिलेगा बेमेतरा दुर्ग और बालोद का थोड़ा सा हिस्सा और रायपुर डिवीज़न में तो हर डिस्ट्रिक्ट में बलौदाबाजार में और रायपुर में पूरा इसके अलावा धमतरी महासमुंद और गरियाबंद में ट्रेसेस में मिलता है यह कड़प्पा रॉक्स तो ये था पूरा का पूरा महानदी बेसिन में कड़प्पा का एक्सटेंशन अब इसके बाद आ जाएं हम कहां तो दंडकारण्य प्लैटू में तो देखिए दंडकारण्य प्लैटू में एक तो हमें सुकमा और थोड़ा सा मिलेगा बीजापुर में और उसके अलावा हमें मिल रहा है बस्तर और कोंडागांव डिस्ट्रिक्ट्स में तो जो दंडकारण्य प्लैटू है फिर से उसमें देखते हैं कहां-कहां पे मिला तो उसमें मिला है नीचे सुकमा सुकमा के ऊपर बस्तर सुकमा के वेस्ट की तरफ बीजापुर और बस्तर के नॉर्थ तरफ थोड़ा सा कोंडागांव तो ये है बेसिकली कड़प्पा सीरीज ऑफ रॉक्स का छत्तीसगढ़ में एक्सटेंशन इसके अलावा पुराण रॉक सिस्टम में एक और रॉक आता है जिसका नाम है विंध्यन तो ये जो विंध्यन रॉक है इसका छत्तीसगढ़ में बहुत मीगर एक्सटेंशन है बहुत मीगर मतलब बहुत 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 कम और ये कौन दो रिवर्स के बीच में मिलता है तो ध्यान रखना हमेशा इंद्रावती और महानदी तो इंद्रावती और महानदी रिवर्स के बीच में एकदम नेग्लिजिबल क्वांटिटी में मिलता है क्या तो मिलता है हमारा विंध्यन सीरीज ऑफ रॉक्स तो ये था हमारा पुराण रॉक सिस्टम अब नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं आर्यन रॉक सिस्टम कौन सा रॉक सिस्टम तो आर्यन रॉक सिस्टम अब आर्यन रॉक सिस्टम में भी सबसे पहले हम देखते हैं गोंडवाना रॉक्स अब ये जो गोंडवाना रॉक्स है आप सभी को पता है इसमें आपको बता चुका हूं मिनरल क्या मिलता है तो मिनरल मिलता है कोल इसको ऑलरेडी हम देख चुके हैं डिस्ट्रिक्ट्स में हम ये भी समझ चुके हैं कि ये जो गोंडवाना रॉक्स है इसका एक्सटेंशन छत्तीसगढ़ में कितना है तो है सेवनटीन परसेंट अब एक्चुअली इसका फॉर्मेशन कब हुआ तो इसका फॉर्मेशन हुआ है लगभग अपर कार्बोनिफेरस पीरियड में अगर मैंने लगभग कहा इसका ये मतलब नहीं है कि अपर कार्बोनिफेरस पीरियड में ये बना और बन के खत्म हो गया ऐसा नहीं है होता क्या है कि ये स्टार्ट होता है अपर कार्बोनी पीरियड से लेकिन आगे ये परमियन टाइम्स तक बनता रहेगा अगर यहाँ पे आपको ये जो पीरियड है याद नहीं हो रहा है तो बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है आपको छत्तीसगढ़ की जियोलॉजिकल हिस्ट्री के हिसाब से इन टाइम को याद रखने का या इन पीरियड्स को याद रखने का बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है आपको रॉक्स मिनरल्स और एक्सटेंशन को ही याद रखना है तो मैंने क्या बताया इसमें से मिनरल क्या मिलने वाला है तो मिनरल मिलने वाला है कोल अब गोंडवाना जो है उसे भी सीरीज में बांटा गया है कौन कौन से सीरीज हैं तो अपर मिड और लोअर इनमें से छत्तीसगढ़ में अपर और लोअर को प्रीडोमिनेंटली देखा जाता है तो छत्तीसगढ़ में क्या क्या है तो एक तो अपर गोंडवाना मिल जाएगा प्रीडोमिनेंटली और मिलने वाला है लोअर गोंडवाना और छत्तीसगढ़ में ये जो गुंडवाना रॉक्स है इनका एक्सटेंशन कितना है तो है लगभग सेवनटीन परसेंट अब आपको समझ में आया कि छत्तीसगढ़ में इतना कोल क्यों मिलता है क्यों क्योंकि कोल जिन रॉक से मिलता है उन रॉक्स का एक्सटेंशन छत्तीसगढ़ में सेवनटीन परसेंट फिजिकल एरिया पे है अब कोल के भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं एंथ्रासाइड बिटुमिनस लिगनाइट एंड पीट छत्तीसगढ़ में जो टाइप मिलता है वो है बिटुमिनस छत्तीसगढ़ ही क्या इंडिया में लगभग 95 परसेंट जो कोल रिजर्व्स हैं वो बिटुमिनस टाइप के कोल के ही रिजर्व्स हैं अब अगर हम देखें इस गोंडवाना सीरीज ऑफ रॉक्स का एक्सटेंशन तो इसका एक्सटेंशन हमको मैप पे देखने को कहां कहां मिलता है तो सबसे पहले समझिए ये जो लाइट येलो कलर हम देख रहे हैं ये बेसिकली है हमारा अपर गोंडवाना और ये जो डार्किश येलो या ऑरेंजिश हम देख रहे हैं ये है हमारा लोअर गोंडवाना तो अपर गोंडवाना आप देखेंगे तो कोरिया सूरजपुर थोड़ा सा बलरामपुर और सरगुजा डिस्ट्रिक्ट में हमको देखने को मिलता है और लोअर गुंडवाना को जब हम देखें तो सदन कोरिया सदन सूरजपुर सदन सरगुजा इसके अलावा कोरबा और नॉर्दर्न रायगढ़ क्लियर मतलब सरगुजा डिवीजन में जो हमने देखा था कोरिया डिस्ट्रिक्ट सूरजपुर डिस्ट्रिक्ट बलरामपुर डिस्ट्रिक्ट और सरगुजा इन सभी डिस्ट्रिक्ट में हमको क्या मिल जाता है तो अपर गोंडवाना मिल जाता है अब सरगुजा डिवीजन के ही ये जो डिस्ट्रिक्ट थे कोरिया सूरजपुर और सरगुजा डिस्ट्रिक्ट इसका अगर सदन पार्ट देखें साथ में ऐड करें कोरबा और साथ में ऐड कर दे रायगढ़ तो बन जाता है हमारा लोअर गोंडवाना का एक्सटेंशन तो ये था बेसिकली किसका एक्सटेंशन तो गोंडवाना रॉक्स का एक्सटेंशन अब आर्यन सीरीज में फाइनल रॉक बच जाता है जिसका नाम है डेकन ट्रैप तो इंडिया में डेकिन किसको कहेंगे तो इंडिया के डेकिन में बहुत सारे स्टेट्स आ जाते हैं जिसमें कुछ हिस्सा महाराष्ट्र का आएगा कुछ कर्नाटक का आ जाएगा बगल में कुछ तेलंगाना आंध्र प्रदेश का आ जाता है थोड़ा सा हिस्सा छत्तीसगढ़ का भी आ जाता है तो ये जो एरिया है बन गया इंडिया का डेकिन अब ट्रैप का मतलब क्या होता है तो देखिए हमने क्या समझा था कि जब लावा सेटल हो जाता है कूल डाउन हो जाता है तो इग्नियस रॉक बनता है और ये रॉक कैसा होता है क्रिस्टलाइन मतलब अगर ये रॉक है इग्नियस तो इसमें छोटे छोटे बहुत सारे क्रिस्टल्स हमको देखने को मिलेंगे लेकिन होता क्या है जिस पीरियड की हम बात कर रहे हैं जिसको कहते हैं क्रिटेशियस पीरियड क्या नाम है इसका क्रिटेशियस पीरियड इस समय एक्चुअली डेकन पेनेंसुला पे मतलब इंडिया का ये जो पेनेंसुला वाला पोर्शन है यहाँ पे फिशर्ड वॉलकैनोइक इराप्शन होने लगते हैं फिशर्ड मतलब फिशर का मतलब होता है दरार और दरार से निकलने लगता है लावा अब ये जो फिशर्ड वॉल्कने के रहते हैं इसमें से जो लावा निकलता है वो धीरे धीरे सेटल डाउन होना चालू होता है कूल cool होना चालू होता है तो पहले लावा कूल हो गया लेकिन फिशर में से और लावा आता रहा उसके बाद वो वाला लावा कूल हुआ और इस टाइप से धीरे धीरे क्या होता है तो एक के ऊपर एक के ऊपर एक लेयर्स बननी चालू हो जाती मतलब ये है तो इग्नियस लेकिन क्रॉस सेक्शन में लेयर्स में दिखता है तो ऐसा जो स्ट्रक्चर होता है उसको कहते हैं ट्रैप स्ट्रक्चर तो डेकन में मिला तो नाम बन गया डेकन ट्रैप क्लियर तो ये जो डेकन ट्रैप है इसका फॉर्मेशन चालू हुआ था क्रिटेशियस पीरियड में और ये जो डेकन ट्रैप है इसमें हमें कौन सा मिनरल मिलता है तो हमें मिलता है इसमें अलूमिनियम का ओर आगे हम मिनरल चैप्टर में मिनरल और ओर के बीच का डिफरेंस समझेंगे यहाँ पे सिर्फ याद रख लीजिए कि इसमें से मिलता है हमें अलुमिनियम का ओर ये क्वेश्चन ऑलरेडी पीएससी पूछ चुका है कि छत्तीसगढ़ में अल्युमिनियम कौन से रॉक से मिलता है तो डेकन ट्रैप रॉक से मिलता है अब अगर देखें इसका एक्सटेंशन तो मैप पे देखने से पता चलता है कि इसका मेजर एक्सटेंशन जो है वो है एक्चुअली छत्तीसगढ़ के पार्ट एरिया में इसके अलावा इसका थोड़ा एक्सटेंशन हमें देखने को मिलता है कबीरधाम डिस्ट्रिक्ट में थोड़ा देखने को मिलता है गौरेला पेंड्रा मरवाही डिस्ट्रिक्ट में और फाइनली बहुत कम हमें देखने को मिल रहा है कहां पे त्र इंद्र दंड कारण्य प्लाटू और दंड कारण्य प्लाटू में भी कहां, -कहां तो थोड़ा सा कोंडागांव डिस्ट्रिक्ट में और थोड़ा सा नारायणपुर डिस्ट्रिक्ट में क्लियर तो कहां कहां पे देखा डेकन ट्राफ का एक्सटेंशन तो सबसे पहले हमने देखा पूरा का पूरा पार्ट एरिया इसके अलावा हमने कहाँ देखा है तो हमने देखा थोड़ा सा गौरेला पिंडरा मरवाही उसके अलावा थोड़ा सा कबीरधाम डिस्ट्रिक्ट और सीधा उसके बाद दंडकारण्य प्लाटू में तो दंडकारण्य प्लाटू में बहुत जरा सा कोंडा गांव में और बहुत जरा सा हमने देखा कहां पे इंदी नारायणपुर डिस्ट्रिक्ट तो ये था छत्तीसगढ़ का टोटल जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर जिसमें हम तीन रॉक सिस्टम्स देख चुके हैं पहला आर्कियन रॉक सिस्टम में हमने आर्कियन देखा और धारवाड़ रॉक्स को देखा इसके बाद हमने देखा पुराना रॉक सिस्टम या पुराण रॉक सिस्टम इस रॉक सिस्टम में हमने क्या क्या देखा है तो हमने देखा है सबसे पहले कड़प्पा और और उसके बाद हमने देखा विंध्यन रॉक्स और फाइनली हमने देखा आर्यन रॉक सिस्टम इसमें हमने हमने देखा देखा है है ट्रैप रॉक्स रॉक्स और उसके बाद हमने देखा है क्या तो तो गोंडवाना ये था छत्तीसगढ़ का टोटल जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर अब हम कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं जो कि ऑलरेडी सीजीपीएससी में आ चुके हैं देखिए तो पहला क्वेश्चन था धारवाड़ सीरीज इज नॉट एक्सटेंडेड इन मतलब धारवाड़ सीरीज का एक्सटेंशन कहां कहां पे नहीं तो पहला भानु प्रतापपुर तो देखिए भानु प्रतापपुर तो कांकेर में आ गया तो कांकेर में एक्सटेंशन तो हमने देखा था फिर दंतेवाड़ा तो देखा है दंतेवाड़ा में भी एक्सटेंशन फिर है कबीरधाम तो हाँ, कबीरधाम कोरिया तो कोरिया में हमने एक्सटेंशन नहीं देखा तो यहाँ पे आंसर है कोरिया नेक्स्ट क्वेश्चन था विच रॉक सीरीज हैज दी मैक्सिमम एक्सटेंशन इन छत्तीसगढ़ तो हम देख चुके हैं छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा एक्सटेंशन किसका है तो आर्कियन रॉक्स इसके बाद क्वेश्चन था धारवाड़ सीरीज ऑफ रॉक्स इन छत्तीसगढ़ आर रिलेटेड टू तो विच मिनरल तो दे आर रिलेटेड टू तो आयनोर और फाइनली लास्ट क्वेश्चन था छत्तीसगढ़ इज मेड अप ऑफ तो जब मैं कड़प्पा पढ़ा रहा था तब आपको बताया था छत्तीसगढ़ का जो महानदी बेजिन वाला एरिया है बेसिकली ये किससे बना हुआ है तो कड़प्पा रॉक से बना हुआ है तो यहां पे क्या आंसर आएगा आंसर आएगा आपका कड़प्पा रॉक्स तो ये थे कुछ क्वेश्चन हमारे टॉपिक के ऊपर आई होप इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने के बाद आपका कॉन्फिडेंस जो है वो बढ़ेगा और ऐसे ही टाइप से आपको तैयार करना है कि इस टाइप के ही क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे और इसी टाइप से ही आपको इस चैप्टर को तैयार करना है ताकि मैक्सिमम क्वेश्चंस के आंसर जो हैं आप दे सकें इन जनरल अगर देखें तो ये जो टॉपिक है इसमें से आप एक क्वेश्चन जो है एक्सपेक्ट कर सकते हैं जियोलॉजी और मिनरल्स को रिलेट करके इन जनरल एक क्वेश्चन आपको दे दिया जाता है तो आई होप मेरा ये वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा और आप सभी से मुलाकात होगी मेरे आने वाले वीडियोस में तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर सीजीपीएससी की संपूर्ण तैयारी के लिए कंपटीशन कम्युनिटी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और डेली अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें